ये इसके इस हिस्से में बिल्कुल भी बाल नहीं थे। अभी भी कुछ कुछ जगह पे बाल छूटे हुए हैं, कम मात्रा में है, मगर 3 महीने में इसका ये चेहरा, इस साइड का पूरा चेहरे पे पूरे पे बाल इधर आगे निकल आए हैं। आज फिर से तेल बना रहा हूँ, वही तेल। कैसा भी गंजापन हो, किसी भी तरीके का गंजापन हो, तरह तरह की जिसने दवाई लगाई हो, जिसको रिजल्ट ना मिला हो, ठीक है, ऐसा कोई भी मरीज हो तो एक बार जरूर या तो मिल ले या दवाई मंगा ले। आज फिर से तेल बना रहे हैं। आज बालों के लिए जिनको गंजा बनाया, जिनके बाल झड़ते हैं, जिनके बाल टूटते हैं, जिनकी टकली निकल गई है, उनके लिए पहले भी तेल बनाया था, आज फिर से तेल। ये कुछ जड़ी बूटियां थी, देख लें आप। तमाम दोस्तों को नमस्कार। वैद्य मनोज कुमार, जयपुर राजस्थान, जोटवाड़ा दवाखाना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी दोस्तों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि सभी दोस्त बिल्कुल अच्छे और जहां भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो बात करते हैं आज गंजापन की। गंजेपन का इलाज आम तौर पे अगर देखा जाए तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जिनको गंजापन आ जाता है वो ये जो बालों की केफ वीग वगैरह जिसको क्या बोला जाता है वो लगा लेते हैं। आम तौर पे काफ़ी लोग वही इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी ऐसे हम उम्र के भाई है, 20 साल 22 साल 25 साल जिनकी उम्र है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, दाढ़ी में बाल सफ़ेद आ गए हैं। काफ़ी बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके 10-12 साल की उम्र में ही बाल सफ़ेद आ गए हैं। तो काफ़ी वैद्य हकीमों का मानना है यह पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा चलता है, मगर मेरा ये मानना नहीं है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं, जिनके बाल झड़ रहे हैं, और जिनके बालों से रूसी निकल रही है, या जिनके पूरा गंजापन निकल चुका है, उन सब के लिए आज जो मैं तेल बनाया है और जो क्रीम बना रहा हूँ ये आपके सामने, ठीक है, ये उन सब के लिए एक रामबाण इलाज है। मैंने करीब 25-30 मरीजों पे पहले इसको आजमाया है अच्छी तरीके से, और उसके बाद में अभी कुछ दोस्तों के और ऑर्डर थे तो मैंने सोचा आज डाल देता हूँ ऑनलाइन वीडियो ही। जिस भाई को वीडियो पसंद आए या जो भी भाई ये वीडियो देखे, तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और घंटी वाले बटन को दबा दें, ताकि हर भाई इसका जो भी परेशानी जिसको है वो अच्छी तरह इसको बनाएं, यूज करें, और अगर कोई नहीं बना सकता है तो वो मेरे से बना हुआ तैयार मंगा ले। ये करीब 5200 रुपये का, 5200 रुपये का क्रीम और महलम पड़ेगा, मगर गारंटी के साथ में इलाज होगा। ये जो महलम बन रही है ये रात को लगाना है सोते समय, और जो ये तेल है ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये गर्म है अभी काफ़ी, ठीक है, इसमें जो ये देख रहे हैं ये बरगद का तेल है, ठीक है, ये बरगद से बनाया हुआ है, बरगद जिसको बड़ भी कहते हैं, ठीक है, ये बड़ का तेल मैं इसको बोलता हूँ, और ये अलसी के तेल में बरगद डाल के बनाया हुआ है। तो अगर कोई बना सकता है तो बना लें, ये बरगद का तेल है, और ये पेस्ट है जो पारिजात का पेस्ट है, ठीक है। ये पेस्ट बआसानी से मुश्किल मिलता है, मिलता नहीं है, पहली बात तो ये है। फिर
फिर इसको किसी मिक्सी वगैरह में नहीं पीसना है। इसका जो सबसे बड़ा चक्कर है, इनके बीज अगर मिल जाए तो बीजों को बिल्कुल मामजस्ते में पहले पाउडर बनाएं, फिर कपड़ छान करें, फिर कपड़ छान करके फिर इसमें सरसों का तेल मिला के इसका पेस्ट आप लोग बना लें। ठीक है दोस्तों, तो मेन चीज़ है ये पेस्ट आपको रात को ऐसे उंगली में लेना है, लेके और इसको जैसे भी हो गंजी खोपड़ी पे जहाँ बाल कम है झड़ रहे हैं तो एक बार पूरा गंजा होना होगा, ठीक है, तभी बआसानी से ये पूरा तेल ये पूरा पेस्ट लग पाएगा, नहीं तो ये लगेगा नहीं। ये लगने के बाद मात्र 20 दिन में पूरी गंजी खोपड़ी पे गारंटी से बाल उग जाएंगे। ठीक है, अगर कोई भाई मंगाना चाहता है तो मंगा सकता है, नंबर दिए हुए हैं 90573-55651, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे संपर्क कर सकता है और मंगवा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।